अच्छा जी अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ ये जो आ, 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 लड़ाई शुरू हो गई है उसमें अब ये है कि आ, आ, मतलब यू नो ग्रेशियसली जनरसली एक्सेप्ट किया नून लीग ने रिज़ल्ट सिलेक्शन के एंड एवरीथिंग लेकिन पीटीआई की तरफ से गेम जो है ना वो होनी गलत ही होती है उधर से जो है ना फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि देर इज़ ए चांस के हम ट्वेंटी जुलाई को राना सना की एंट्री जो है अगर ऑब्वियसली वो सीएम भी बन जाएंगे तो परवेज इलाही तो हम पंजाब में भी और के पी में भी बंद कर देंगे नहीं लेकिन वो अब ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने पहले बयान दिया है कि राणा सन्हाला ने पहले बयान दिया मेरे ख्याल में राणा सन्हाला ने पहले बयान दिया जिसके बाद फवाद चौधरी का बयान आया राहला ने कहा है जी बाईस तारीख को इलेक्शन हाँ तो हो सकता है पांच बंदे वोटिंग के लिए पहुंच ही ना सके जाएंगे मसला वाली है ना कि हो गए तो ये तो मतलब इस ये तो वही वाली चीज है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद खान साहब स्टिक करने की कोशिश की थी और किसी हम तब भी यही कह रहे थे कि जी ये ना करें और आर्टिकल सिक्स से बचे और फिर भी बात है अभी तो कानून फॉर मल्टीपल रीजन अमल में नहीं आ रहा लेकिन आप जब अपने ऊपर एक केस बनवा लेते हो ना जब आपकी एक फाइल खुल जाती है वो किसी भी दिन आपको मुसीबत डाल सकती है इसी तरह ये जो है ना कि बंदे उठा लेना हाँ। और यार मुझे समझ नहीं आ रही कि आप रेस्ट करें <laughs> आप आराम आप, से, हाँ, से बैठे एक तो ये है कि अगर तो कोई बिल्कुल आईनी कानूनी तरीका है इसको रोकने का तो आप वो करें गैर कानूनी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उनको बना लेने दें यार उन्हें चलाने, दे। चलाने दें चलाने हाँ। दे वो अगर तो वही बात है उनमें इतना अब वो सीख गए हैं और इतनी हिम्मत आ गई है हाँ। और इतने लोगों की अगर उनके साथ सपोर्ट है कि वो वो करके जिसकी, जिसके बाद मुल्क में कोई आ सकती है वो बेहतरी ले आते हैं तो दे डिजर्व रनिंग दे कंट्री इन एनी केस और वरना दो तीन साल में फिर वही मसला है लोगों ने कहना क्योंकि इकोनॉमी तो जा रही है वो नहीं आती वापस तो वो, वो नहीं नहीं नहीं... तो कहती वफाक से इस्तीफा दे जाए

के हुआ है 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 उसकी वजह ये कि कि तो 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 वो डाला ही नहीं था उसमें तो हम बैठे रहते हैं क्योंकि वो तो कहेंगे कि जी डेढ़ साल साल जितने भी है गुजारो और इंतजार करो कि कुछ ऐसा हो कि ये जो पीटीआई की हवा बनी हुई है इसमें कमी आ जाए तो वो तो अपना टाइम पूरा लेंगे चलो खैर देखते हैं कोई फर्क नहीं पाता तो की मजबूरी बैठी हुई है अब तो आना ही नहीं चाहिए था मुझे भी बड़ा में में सब कुछ देखा और में ये हो रहा है, है ना मजा नहीं आया तो मिस हो गया था हाँ हाँ तुम ये प्लग इन कर लिया करो फॉरन से पहले अब नेक्स्ट इवेंट पे अगर मुझे थोड़ी सी भी पड़ी ना कि कुछ होने लगा तेन नहीं मैं जान देना इस कमरे में बंद कर देना ठीक है अच्छा एक बहुत मजेदार खबर वेरी नाइस खबर वो ये है कि बाबर आजम की इस ईयर में टेस्ट एवरेज इज ऑन 90 नाइनटी बहुत बुरी खबर है <laughs> इतनी अच्छी खबर है सर इतनी <laughs> खतरनाक खबर है <laughs> क्योंकि जिस साल में मोहम्मद यूसुफ नब्बे की एवरेज से खेला था हाँ। <laughs> उसको निकाल दिया था <laughs> नहीं ये नहीं हो सकता यहाँ पर वो पाकिस्तान में नब्बे की एवरेज जो है ना बहुत खतरनाक है नहीं ऐसे ना कहो चुप कर जाओ सॉरी हाँ एक और खबर भी आपको बता देती अ पाकिस्तानी ठीक है ये कितनी बिल्कुल मनूस बात कर दी है तुमने आंदा हम कभी बाबर आजम का जिक्र ही नहीं करेंगे मैंने यही सोचा कि उसका जिक्र नहीं करना चाहिए उसको नजर लाग जाती है ये जो है ना शेरी मजारी ने यह कहा है कि मुझे ना मेरे कमरे से मिला है वॉइस रिकॉर्डर और मैं जा रही हूँ कोर्ट ना इसके खिलाफ वो करने के लिए मतलब मैं इतने बह के दिन रात कहनी हूँ चुप कराओ चुप कर जाए किधरे तो चुप कर जाया करे ट्वीट आ स्टेटमेंट इज दिस पर्सन जिसने वो जिसको जो उनको मजीद सुनना चाहता कि तो है कि वहाँ वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्डर छोड़कर आ गया पीछे क्यों पड़े हैं वो बेचारी बस लगी है करण हाँ ये ये बात जो है ना सॉरी मतलब वो तो जाहिर है पता नहीं किसने किया है या वट सो वो उसकी तस्वीर भी आई हुई है डिवाइस की जो यूएसबी की शक्ल की वो डिवाइस है आ, तो मैं ये बात शायद पहले भी कर चुका हूँ और मैं दोबारा करना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे ये बताएं कि वो डिवाइस कहाँ से मिलती है जो कि बेसिकली डिटेक्ट करती है कि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस है डिवाइसली हाँ, वो वाली वैसे बहुत जरूरी वो टी, है होती ना जी, जो जी, आप बेसिकली जी, वो जी, करते जी। हो पूरे हाँ, कमरे में हाँ, हाँ, क्योंकि अब तो वाकई यार वो बिल्कुल मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ वो बटन के साइज के कैमराज और निकलती है बिल्कुल वो सिम की साइज के बेसिकली रिकॉर्डर्स और रिकॉर्डर्स भी नहीं वो डायरेक्ट ट्रांसमिटर्स है सो उनका वाद मशता ये है कि या तो आप उसको प्लग कर दो किसी बैटरी के साथ या स्विच के साथ कमरे में या फिर उसकी बैटरी जब खत्म होगी तो वो ट्रांसमिट करना बंद कर देगी सो वो एक एम साइज का ऑडियो वो होता है आप उसको उस पे कॉल 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 मिलाते हो आपकी उठाई जाती है 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 वो जहां लगा हुआ आपका फोन पे उसके साथ मिली हुई तो उस कमरे में बैठ के जो भी गुफ्तु हो रही है वो बिल्कुल इसी तरह की स्पीकर फोन एक इधर पड़ा हुआ है और वो कोई सुन रहा है हाँ तो वो ये जो है ना अब वो ये डिटेक्ट करने के लिए ये अच्छा ये जो बेसिकली सियासी या अमीर लोग हाँ, होते हैं हाँ, हाँ. इनके तो हर दो तीन महीने बाद ये अपने पूरे घर की वो स्क्रीनिंग कराते हैं इनको भी कैसे मिला होगा हाँ स्क्रीनिंग ही होती होगी वो ना एक बाय द वे इज़ अ शो बॉर्जन के नाम से ऑन नेटफ्लिक्स इज अ डेनिश शो पॉलिटिकल है सारा ठीक है तो उसका फोर्थ uh, सीजन आया है उसके अंदर ये मैंने देखा पहली दफ़ा मैंने नोट किया था कि उस बेचारी के ना हर दफ़ा जो उसका घर का ऑफिस था ना उसकी हर महीने बाद जो है ना वो स्कैनिंग चल रही होती थी कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं उस दिन यार अली पता नहीं मुझे क्या हुआ मैं अपनी ना बुक शेल्फ को देखी जा रही देखी जा रही देखी जा रही मैं कहा वट इफ़ यहाँ पे किसी ने कैमरा लगाया हो मैं पूरी किताबें उठाईं उसकी सफाई की देखा इधर उधर पता नहीं एक अजीब से पैर नया रहता है फॉर सम रीज़न मुझे समझ नहीं आती कि क्या है बट आप लोग की चेकिंग जरूर किया करें इफ़ यू थिंक यू आर इम्पोर्टेंट मुझे बहुत लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ ना से मैं चेक करती रहती हूँ कि हमें को फटाना पा जाए अच्छा जो भी उनके वैसे रिकॉर्डिंग वहाँ रख रहे हैं ना बड़ी हिम्मत है तेरी अल्लाह की कस्में ऐ सुनना उन्होंने प्लीज़ ये ना वो क्या कह रहे थे क्या नाम था बंदे का जिसने कहा कि बस ज्यादा बच्चे पैदा करें कादर पटेल हाँ कादर पटेल साहब कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करने जाते ना तो आप यहाँ तो पॉपुलेशन का वैसे ही बहुत ज्यादा मसला है तो आप किसी ऐसे मुल्क में जाए जहाँ मुसलमान काम है वहाँ जाके बच्चे पैदा करें एडी कैडी मजबूरी है कि बच्चे ऐने पैदा करने ने नहीं लेकिन ये <laughs> मतलब मुझे सजेशन की भी समझ नहीं नहीं आएगा व्हाट नहीं ये ठीक ये सजेशन जो है ये मतलब उन्होंने सोचा तो है

So कागजात बनवा दे उनके अकाउंट में पैसे डाल दे बेसिकली सरकार उनके साथ मिल के एक पूरा स्कैम बनाए कि शो करे कि ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ताकि उनको फौरी तौर पर उस मुल्क की इमिग्रेशन मिल जाए जब वो चले जाए तो सरकार सारे पैसे वापस निकाल ले एफ बी आर के पेपर भी चेंज कर ले और वो सारे लोग बाहर शिफ्ट हो जाए ए, किसी ने ट्रांसलेट करके गोरिया ना जो जेनमन जाना चाहते हैं ना भी नहीं जान गए ठीक है। मैं तो सिर्फ कादिर साहब की तो सोच को आगे ऐसे जमा <laughs> था। था। नहीं बहुत से मुल्कों के अंदर जो है वो लोग कह रहे हैं कि उनकी अपनी पॉपुलेशन कर चुकी है इन चीजों के लिए तो आप वहाँ पे अप्लाई करें जाके बच्चे पैदा करो ऐसे वाकई बड़ी हो गई है देखिए सोच सही हो सकती है सोच गलत हो सकती है लेकिन कादिर पटेल साहब को कुछ भी सोचने का पूरा हक मौजूद है सिर्फ उनकी सोच को अमली पजामा पहना रहा था तो ये हो सकता है। हाय पजामे से मुझे याद आया कुछ ही माँ बाप तो एक ही पजामे में हमें फिर से नजर आ रहे हैं दैट टाइम। अच्छे ये ना दो हफ्तों के दौरान दो इंसिडेंट हुए हैं कि इंडिया का जो, जो एक जहाज इंडिया का जहाज जो है ना वो इमरजेंसी लैंड कर जाता कराची में एकदम एक दफ़ा एक मुंबई से फ्लाइट आ रही थी दोनों दफ़े मुंबई से फ्लाइट आ रही थी और ना वो इमरजेंसी उनको वहाँ पे उतरना पड़ता है वहाँ पे डीफ्यूलिंग होती है एंड देन दे टेक ऑफ और इस दफ़ा उनके तासरात अंदर कोई बढ़ गए होना है पूछना ना कि कैसा लग रहा है आपको धरती माँ पर आकर तो उनसे लोगों ने अंदर से ये कहा है कि जी हमें बहुत अच्छा लगा हमें ऐसे आप लोगों ने ट्रीट किया जैसे हम आपके वी आई अपने प्यार भरे लोगों के बीच में हम आए हैं हम दोबारा आना चाहेंगे इधर तक ही आना चाहेंगे कि जहाज यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करे वैसे क्या सीन है क्या जहाजों को क्या मसले हुए हैं पता नहीं कोई मौसम शौसम का होगा मुझे तो नहीं अंदाजा लेकिन ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो आए और उनको हमारी जो मेहमान नवाजी है वो पसंद आई हमें है, भी मौका दें <laughs> सानू वीजा कर लो पैसे कर लो टिकट कर लो ऐसे होते आवागे

इतनी कोई वॉरिटी हो रही थी बंद करो इसको है। अच्छा आ, अभी ना ये अच्छी खबर हम आपको बताते हैं कि पासपोर्ट की पेमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको अंदर जाके देनी पड़ती थी अगर आप नादरा के एग्जेक्टिव के अंदर हैं या अगर आप दूसरी जगह से बनवा रहे हैं तो वो नेशनल बैंक आपको भेज देते हैं जमा करा के आओ और वह नेशनल बैंक की ब्रांच होती भी मीलो दूर है जरा आपने पहुंचना होता है हावर दे हैव डिजिटाइज दिस थिंग और अब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पासपोर्ट बनवाने की हाथ इस्तेमाल करें लो

जमा करा सकते थे हाँ। ये जो रेगुलर थे यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं था नहीं था और नेशनल बैंक जाना पड़ता था हुँ, हुँ। तो अब आप ऑनलाइन करवा सकते हैं मेट कन्वीनियंट फॉर यू गुड स्टेप अच्छा जी आ जाते हैं तो बस हो गई ना ये भी बात होगी एमेजॉन

सेलर अकाउंट बनाते थे अपना उसके बाद यही अपने दूसरे अकाउंट से वहाँ से कुछ बाय करते थे उसके बाद ये दस बीस दिन के बाद वो डिस्प्यूट कर देते थे, थे कि हम तक चीज़ नहीं पहुँची और वो अमेजोन का कोई इस किस्म का है कि जी तीस डॉलर से कम वाली जो चीज़ होगी उसको वो शायद खुद रिफंड कर देंगे या क्या होगा और वो जब कंप्लेंट्स ज्यादा आती हैं तो फिर वो सेलर बंद कर देते हैं तो इस पर तकरीबन तो कुछ मेरे ख्याल में सुना मैंने ये कि तीस एक हजार उन्होंने सेलर ब्लॉक कर दिए हाँ। तो इससे पहले कि वो पूरा ही मुल्क ही दोबारा निकाल दें तो थोड़ा सा पता नहीं अब इस पर कोई यहाँ पे कोई हुकूमत कुछ कर सकती है इसका कि नहीं कर सकती <laughs> बस यही कहना है वाई यू डू दिस अगर क्यों मतलब मैं ना अमेजोन खोल के इतनी चीजें देखती हूँ फिर मुझे होता है कि यार यहाँ पर ये यह हो ठीक है ये सिस्टम ज्यादा थ्राइव करे ये वो वो चार बंदों को इकट्ठा मिला के मुझे एक चीज़ मंगवानी पड़ती है

इधर आजकल आए हुए हैं वो डिफेंस के पार्क में कहीं वो ना दौड़े बहुत 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 लगाते हैं बहुत, बहुत भागता है वो बंदा तो उन्होंने शिकायत की है कि, कि खत्म किया जाए ठीक है आ, हमें नहीं समझ में आती कि ये किस किस्म की जो है ना आप हमारे कच्चे आपको क्या कहते हैं मेरे इलाके में भी मना है अच्छा हाँ। क्योंकि वहाँ जो लॉरेंस गार्डन है वहाँ पे तो अंदर क्योंकि टेनिस वाले तो मैंने अक्सर देखा है कच्छों में आए होते हैं वो तो किट समझते हैं ना अच्छा। इस वजह से हाँ किटों में जायज़ है तो उसमें ये है कि बस ये दोनों ही आंसर हैं कि इसका एक मुस्बत पहलू भी है और एक इसका मनफी पहलू भी है म, पे तुम्हें बड़ी गालियां पड़ेंगी बहुत नहीं मुस्बत पहलू यही है कि की कसूर नहीं नहीं, तो हाँ, की हमें तो ऊपर और दुपट्टे चढ़ा के आना पड़ता है, है तो जो है बाकी मनफी पहलू ये है कि मतलब नहीं पहनने नहीं आप कुछ और कहना चाह रही हैं नहीं नहीं और कुछ नहीं करना तो बस ये है ये है ठीक है हाँ इसका आपके पार्क में अलाउड है शॉर्ट पहन के जाना मेरी इधर पार्क की कोई नहीं है <laughs> हाँ, यार क्या एरिया है से हम, मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा सख्ती है इस मामले में कि जी आप नहीं पहन करा सकते uh, मैं ये और बात है कि मैं uh, कपरीज में भी अक्सर मैंने रनिंग की हुई है और वो मुझे कुछ नहीं कहते थे कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता था लेकिन लड़कों के ऊपर उनकी सख्ती बहुत ज़्यादा थी कि आपने शॉर्ट्स नहीं पहन करानी है सो एनी वे हमने आपका मैसेज आगे पहुंचाने की कोशिश की है देर अनदर सॉन्ग यू हैव टू सिंग एंड देन आई विल गिव अ शाउट आउट फॉर दिस लाइकिंग्स हाँ वो जो है उससे पहले मुझे एक और याद आया कि एक कल वाले एपिसोड में एक बिग बैन है और एक केसी पत्नी खातून है के मर्द हैं उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि हम जो है ना नाजायज़ हंस रहे हैं दिल हमारे बहुत दुखी हैं पीटीआई के जीत पे तो उसमें ये है कि है? आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कमेंट करने का और आप जो मर्जी आप समझें आप नहीं नहीं और जो आपको ठीक लगता है आप वो लिखे जरूर लिखने से रीच बढ़ती है तो इसलिए हम आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहे लेकिन मैं से ये कह रहा था कि आ, मेरे पास तो बेगम है ये बताने के लिए कि मेरे जेहन में क्या चल रहा है <laughs> लेकिन हाँ। तो जो है मेरी सारी एग्जॉशन उससे निकल जाती है नहीं, नहीं, तो, अच्छा। तो जो मर्जी सोचे हाँ। गाना गाना जो है ना दिल भरा है हाँ, मैं तो हाँ गाना जो है ना वो नहीं अब हो पाएगा अगले एपिसोड में करेंगे लेकिन मैं आपको सुनाना चाह रहा था वो आप खुद यूट्यूब पे इन करके सुन बीती ना बिताई रहना हाँ तो वो मेरा जो है ना बूपी जी का फेवरेट तब तक ये जो है ना अपने दिल को जरा हौसला दे के दोबारा से ठीक है और मैं भी जरा लेस रोने वाली पोजीशन में रहूंगी सो ही फॉर इन द नेक्स्ट प्रोग्राम एनीवे गाइस लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन पे क्लिक करें कमेंट करें शेयर करें पेट्रन बने और इजी पैसा जायज कैश में ऐसे पैसे भेजते करें सो वी कैन थ्राइव